एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गॉड ब्लेसिंग्स। सो गाइस, टुडे वी आर बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टू लर्न द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। आई हैव क्लियर आउट इट 1.3 एक्सरसाइज एंड आई हैव टोल्ड यू दैट 1.4 एक्सरसाइज कांट बी डन ऑन द मीन्स यूट्यूब बिकॉज इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन इट ऑन द मीन्स नोटबुक एंड online on the YouTube. It's very tough to explain. I can't explain it here. That's why I have skipped the 1.4 exercise and now we are going to do 1.5 exercise. Exercise 1.5, Mathematics, Class 9, Chapter 1, that is Number System. But before doing this exercise, I would like to tell you some important points. वो important points ये हैं कि जब भी एक rational number है हमारे पास, rational number आप जानते ही क्या होता है, और एक number है irrational, और इनका कोई difference निकालना है, means एक number तो rational दे दिया और एक दे दिया irrational, और इन्हें subtract करना है या इनका कोई भी difference निकालना है। तो अगर हमने पढ़ लिया कि एक number rational है और एक number क्या है irrational, तो ये जो हमारा मीन्स डिफरेंस होगा वो इरेशनल होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ रूल्स हैं कि डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जब भी हमारा डिफरेंस होगा, अगर हमें ऐड करना हो तो भी यही होगा, अगर हमें एडिशन करनी हो तो भी, अगर एक नंबर हमारा रैशनल है और एक इरेशनल है तो उन दोनों की जो आंसर आएगा, सम आएगा, वो भी इरेशनल ही आएगा। अगर हमें उनका प्रोडक्ट निकालना हो, मीन्स मल्टीप्लाई करनी हो, और एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, तो भी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। अगर हमें इनका डिविडेंड मीन्स प्रोडक्ट निकालना हो, वो सॉरी डिवाइड करना हो, मीन्स क्वेश्चन निकालना हो इनका, तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी रैशनल ही इरेशनल ही होगा। किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को साथ में कुछ भी करेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल ही आएगा। ये कुछ रूल्स हैं इस चीज़ के। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, इट्स क्वेश्चन फर्स्ट सेज दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन फॉलोइंग नंबर्स को क्लासीफाई करो कि ये रैशनल है इरेशनल है। अब ध्यान से देखते हैं, ये है 2 - √5। अब रूट फाइव क्या है? इरेशनल है। अब इसकी आप अंडर रूट निकाल आंसर निकालोगे तो वो इरेशनल में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा बार में। तो ये क्या है हमारा, एक इरेशनल आ रहा है और एक रैशनल आ रहा है, तो क्या हो गया आंसर, इरेशनल हो गया। अब सेकेंड है 3 + √23 - √23। अब द पॉइंट इज दैट पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व करें हम कुछ नहीं करेंगे। सी ये कहता है बी पार्ट, 3 + √23 हेयर एंड -√23। अब ये भी रूट में, पहले तो ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 + √23 - √23। अब ब्रैकेट खोल दिया हमने, ये भी रूट में, ये भी रूट में। आपने 8th क्लास में 7th में पढ़ा होगा कि जब दो सेम नंबर होते हैं, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, और दोनों सेम नंबर हैं, तो ये नंबर आपस में कट हो जाते हैं। अब ये दोनों सेम नंबर है हमारे, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन प्लस माइनस है, तो ये हमारे कट हो जाएंगे। जब ये हमारे कट हो जाएंगे तो हमारा ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्या बचा 3। अब 3 क्या है, रैशनल नंबर है, 3 इज अ रैशनल नंबर, तो हमारा ये वाला आंसर आया रैशनल नंबर। 3 क्या है, रैशनल नंबर। अगर कोई बड़ा नंबर है तो पहले उसको सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा। इसको कट करके देखा, आंसर 3 आया, तो 3 तो रैशनल नंबर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नाउ कम्स टू द सी पार्ट दैट सेज 2 √7 / 7 √7। ये क्या है, अभी से भी सॉल्व करते हैं। चलिए, सी पार्ट कहता है 2 √7 / 7 √7। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको कोई नंबर आता है लाइक 4 / 4, तो आप ये 4 कट कर देते हो ना जब आप डिवाइड कर दो, या नंबर आता है 2 / 4, तो आप कहते हो 2 1 = 2 2 4 2 2 = 4, 1/2 आंसर आ जाएगा। आप ऊपर नीचे कट कर देते हो, अब सेम नंबर होता है तो कुछ भी नहीं रहता। अब यहाँ पर रूट सेवन है, ऊपर भी रूट सेवन है, नीचे भी रूट सेवन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे हमारे, कट हो जाएंगे, क्या बचा 2/7। अब 2/7 क्या है हमारा, रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी आ गया रैशनल नंबर। 2/7 तो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि उसका आंसर तो हमें रैशनल में मिल रहा है, तो इट मींस इट्स अ रैशनल नंबर। लेट्स सी द डी पार्ट ऑफ इट। डी पार्ट सेज दैट क्वेश्चन इज दैट 1/√2।
अब आप एक बात बताओ, वन क्या है? रैशनल। और ये रूट टू क्या है? इरैशनल। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा? इरैशनल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसमें तो आगे कोई क्वेरी है ही नहीं, क्वेश्चन मतलब आगे कुछ दे ही नहीं रखा जो हम उसको कटवट करें, जिसमें कट करने को है उसे तो हम कट कर लेंगे, पर इसमें तो कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसका आंसर हमें सिंपल ही मिल गया इरैशनल। और इसमें हम क्या स्पेसिफिकेशन देंगे? इट्स एन इरैशनल नंबर बिकॉज क्वेश्चन ऑफ अ बिकॉज क्वेश्चन of an irrational or a rational quotient of a rational and irrational is always irrational. किसी भी क्वेश्चन मीन्स डिवाइड करना, उस किसी भी नंबर के जब डिवाइड करेंगे रैशनल और इरेशनल को, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इरेशनल ही आएगा. क्वेश्चन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. और यहाँ पर वन हमारा रेशनल है और रूट टू क्या है? इरेशनल. नाउ कम्स टू द ई पार्ट दैट सेज टू पाई. अब आप सब बहुत लोग कहोगे कि ये जो है ये क्या है हमारा रेशनल, क्योंकि टू भी रेशनल है पाई भी रेशनल है. पाई की वैल्यू आपको पता क्या होती है? 22/7 होती है. अब आप कहोगे रेशनल ही तो है ये ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की. पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो पॉइंट में होती है, वो तो इसकी वैल्यू हमने इसमें निकाल रखी है. इसलिए जो पाई होता है ना ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ये तो कुछ एक 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रखी है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ पॉइंट में आती है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं पाई की, तो ये क्या है हमारा? इरेशनल है. तो अब एक दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × π. 2 तो रैशनल है, पाई इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर है ये बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ, इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट, लेट्स कम टू द क्वेश्चन सेकंड. बट बिफोर डूइंग द क्वेश्चन टू लेट मी टेल यू सम कॉमन थिंग्स, कि अगर आता है हमें मल्टीप्लाई करनी है किसी एक रैश, एक नंबर है रूट टू और दूसरा भी नंबर है रूट टू, तो जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी ना तो ये आंसर बन जाएगा 2. किसी भी रूट वाले सेम नंबर की, रूट वाले सेम नंबर की, ये रूट वाला ये भी रूट वाले सेम नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा सिंपल में आ जाता है आंसर, उसका आंसर सिंपल बन जाता है. मीन्स जो वो नंबर है रूट हट जाती है उन दोनों पे से. अब है रूट टू अगर और रूट फाइव है, दोनों रूट वाले हैं, तो रूट टू और रूट टू और टू फाइव जा 10 और रूट लगा देंगे ऊपर, ऐसे हो जाएगा. लेकिन अगर दोनों नंबर सेम है तो खाली हमारी रूट हट जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा? जो नंबर है वो ही आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन टू सेज अस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. सी क्वेश्चन टू सेज अस सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. पहला है 3 + √3, 2 + √2. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दैट. 3 + √3, 2 + √2. फैक्ट क्या है कि अभी ने क्या करना है, बीच में जब ब्रैकेट है कोई साइन नहीं, तो मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना जब दो ब्रैकेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा ये तो आपने 8th में पढ़ा होगा. अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले लाइक टर्म्स एक साइड से लाइक टर्म्स की, अब कैसे करेंगे? देखो 3 है यहाँ पर, पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 और इससे करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3 × √2 और इधर ये बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेकिन इनका साइन कौन सा है बीच में? प्लस. यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि एक ब्रैकेट को सॉल्व किया. देखो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से करी, तो अब ये साइन कहाँ आ गया? प्लस का. ये साइन यहाँ आ गया. अब √3 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, फिर √2 से करेंगे. सी ऐसे करेंगे. जब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 हो जाएगा. और 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये इरेशनल नंबर ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर चला जाएगा. इसकी तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, 3 √2 हो जाएगा. प्लस अब √3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर. और इस √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा. यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई लाइक टर्म है ना कोई अनलाइक, मतलब लाइक टर्म है ही नहीं तो इन्हें इकट्ठा कैसे करेंगे, मतलब हम कट कैसे करेंगे? कोई लाइक टर्म होगी तो इसको हम इकट्ठा करके हम ऐड कर सकते हैं, इसको गैदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लाइक टर्म बची नहीं है, तो इसका आंसर हमारा सिंपल आएगा 6 + √2 + 2 √3 + √6. उससे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताना चाहूँगी. आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आपने आई थिंक पढ़ा होगा आइडेंटिटीज़ के बारे में. 8th क्लास में आइडेंटिटीज थी हमारी. कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ जो इस चैप्टर की है मैं पहले आपको वो बताऊँगी. पहली तो ये हो जाएगी जैसे a + b², दो नंबर है a + b, मतलब एक नंबर अलग है दूसरा भी अलग है और उनका स्क्वायर दे रखा है, तो कैसे निकलेगा a + b²? इसे हम क्या कर देंगे, इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा a² + 2ab + b², मतलब a का i को अलग कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2ab, मतलब 2 की मल्टीप्लाई पहले a से फिर b से,
प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही हमारी पहली आइडेंटिटी है ना। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है ए माइनस बी स्क्वायर। अब अगर यही साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है, अगर है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों अलग है, ए का स्क्वायर अलग है बी का स्क्वायर अलग है, दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक साइड तो कर देंगे ए प्लस बी और एक साइड हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में दोनों। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी होगी, या अभी तो हम इतनी आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं क्योंकि अभी जो हमारी आगे की आइडेंटिटीज़ है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूडेड है, इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम सिर्फ इतनी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन टू आता है वो पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री, दोनों ब्रैकेट में, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन टू का बी पार्ट, थ्री प्लस रूट थ्री एंड हियर थ्री माइनस रूट थ्री अकॉर्डिंग टू आर आइडेंटिटी। अब जो हमारी आइडेंटिटीज में अप्लाई हो रही है वो कौन सी हो रही है, देखो ये वाली a प्लस बी, पहले a है फिर b है, मतलब अलग नंबर है, और दूसरे ब्रैकेट में a है और माइनस में b है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले अगर हम आइडेंटिटी लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर क्या है, थ्री स्क्वायर, ठीक है, और b नंबर क्या है हमारा, रूट थ्री, रूट थ्री स्क्वायर, और बीच में कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस। ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। थ्री स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री कितना होता है, नाइन होता है, और यहाँ है थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री। मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों रूट हो और सेम नंबर हो तो क्या हो जाता है, ये आंसर इसी नंबर में आ जाता है, माइनस थ्री, तो जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा सिक्स। दैट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन, वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन फ्रॉम आर आइडेंटिटीज। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखी कि हमारी आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव लर्न द आइडेंटिटीज वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट सेकेंड्स, सही, वी हैव ऑल्सो सॉल्व इट इन सेकेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सी पार्ट कहता है कि रूट फाइव प्लस रूट टू स्क्वायर, दोनों नंबर पे एक साथ स्क्वायर है, चले देखते हैं इसे कैसे करेंगे। रूट फाइव प्लस रूट टू स्क्वायर, अब अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। हमारी आइडेंटिटी कहती है रूट फाइव पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी लगाएं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सी ए स्क्वायर क्या है, फाइव, मतलब रूट फाइव स्क्वायर प्लस टू, मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले रूट फाइव फिर मल्टीप्लाई क्या करना है, ये रूट टू प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट टू स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी खुल गई। फाइव का स्क्वायर क्या होता है, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे रूट फाइव ही आ जाएगा, सॉरी खाली फाइव आएगा, टू मल्टीप्लाई रूट फाइव, रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे रूट टेन हो जाएगा, और टू साथ में तो हो जाएगा टू रूट टेन, प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या होगा हमारा, खाली टू हो जाएगा। अब इसको लाइक टर्म्स है, फाइव और टू एक साइड ले आएंगे, फाइव प्लस टू प्लस टू रूट टेन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेवन प्लस टू रूट टेन, वी गॉट द आंसर हेयर। आइडेंटिटी सॉल्व करी और आंसर मिल गया हमें, बस एक आइडेंटिटी तो सॉल्व करनी होती है, आंसर तो अपने आप मिल जाता है। देखिए आइडेंटिटी लर्न है तो सब कुछ ईजी है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लर्न द आइडेंटिटीज। लास्ट पार्ट सेज रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू, देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। सी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन इज दैट कि रूट फाइव माइनस रूट टू, एक ब्रैकेट में रूट फाइव माइनस रूट टू, देखते हैं कहाँ पे है, ये ब्रैकेट चल जाएगा नहीं चलेगा, हाँ ये वाली आइडेंटिटी चलेगी हमारी। देखो एक है रूट फाइव और प्लस रूट टू, सॉरी माइनस रूट टू, एक में माइनस रूट टू और एक साइड में है प्लस रूट टू, तो वो तो बात एक ही होती है, आप अपोजिट कर दिया इन्हें, एक में कहते हैं रूट फाइव प्लस रूट टू और एक में रूट फाइव माइनस रूट टू, तो हमारी इसमें वाली आइडेंटिटी चलेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक में माइनस एक में प्लस कहाँ आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है इधर माइनस आ रहा है, आइडेंटिटी वही रहेगी, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होगा और रूट टू का स्क्वायर टू होगा, तो आंसर आ जाएगा इन्हें माइनस करके थ्री, वी गॉट द आंसर हेयर। हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन फर्स्ट टेन टू वेरी मच क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।